praise the Lord. जय मसीह की सालियाँ हो. The verse that I received today. जो वचन आज मैंने मिला है यार. Is Luke 10 verse 2. और लूका का दसवां वचन दूसरा. And it says, He told them, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. वचन कहता है उसने उनसे कहा पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे हालेलुया meaning that there's lots of people ready to be saved हां इस जो वचन का अर्थ है but there's not enough workers willing to जो वचन का अर्थ है कि जो खेत तो पक्के हुए हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं थे काम करने के लिए Somebody has told you all about Jesus. तब खुदा ने जो है शब्द सब लोग किसी ना किसी चीज़ में ब्लेस किया है। नहीं नहीं, हमें किसी ने वचन बांट के हम हमारी मुक्ति हुई। हाँ, सालों किसी ने परमेश्वर का वचन बंटिया सी। And that's why we're all here today. तैसी करके जैसे एक थे हम। So wouldn't it be lovely to tell others about Jesus? तो बहुत अच्छी गल है खुदा यीशु मसीह के बारे जानना। बताने का। दूसरे लोग दसों बारे। नहीं मुझे भी So we need to tell other people. It's important to tell others so that whatever I feel today, that they will also feel. It's just amazing to be in His presence. कल्पना करो कि खुदा की मौजूदगी जो इतनी है And I know that I couldn't live without him. Sorry? I know. मैं जानती हूँ. That I couldn't live without his presence. तो मैं उसकी मौजूदगी तो बिना उसे बिना जी नहीं सकती. So imagine all the people in the world who haven't heard the gospel. तो कल्पना करो कि दुनिया के सारे लोग का कौन खुदा यीशु का सुसमाचार हो गए. And you haven't felt the presence of God. नहीं जिनको वचन नहीं मिला है और फिर उन जिनको वचन नहीं मिला है उनका हालात क्या है पूरे जोश के नाल परमेश्वर के बारे लोगों को दसो थैंक यू